हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब? आप सोच से होंगे। तो अपने चल रहा था 7th चैप्टर, जिसका नाम है जीवों में विविधता। तो जीवों में विविधता में अपने चल रहा था एनिमेलिया जगत। एनिमेलिया जगत में छः जो 10 वर्ग है वो कंप्लीट हो गए। 10वां वर्ग है उसको चल रहा था अपने स्तनधारी, सॉरी वो कशेरुकी। कशेरुकी में हमने पढ़े थे कि भाई टोटल 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार में से 5 है वो हमने पढ़ लिए। अब आता है 6ठा, जिसका नाम है स्तनपाई या स्तनधारी। स्तनपाई, स्तनधारी या इसको बोलते हैं मेमेलिया। तो ये कैसे होते हैं? समतापी, यानी कि इनका जो तापमान है वो वातावरण के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। हृदय वो 4 कक्षीय होते हैं। हृदय वो 4 भागों में बंटे होते हैं। ऊपर वाले 2 आलिंद, नीचे वाले 2 नीले, दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां नीले बायां नीले। अब देखो, मोस्ट बात आती है कि भाई नवजात के पोषण के लिए, यानी कि जो छोटा बच्चा जन्म देते हैं उसको पोषण करने के लिए, उसको पालने के लिए इनमें क्या पाई जाती है? दुग्ध ग्रंथियां, यानी कि दूध निकालने वाली ग्रंथियां पाई जाती है। इनकी त्वचा पर बाल होते हैं, यानी कि जो स्तनधारी होते हैं उसमें दुग्ध ग्रंथियां होंगी, त्वचा पर बाल होंगे। श्वेत और तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं, श्वेत यानी कि पसीना और तेल ग्रंथियां वो भी पाई जाती हैं। इस वर्ग के सभी जंतु बच्चों को जन्म देते हैं, यानी कि जो स्तनधारी है उस वर्ग के सभी जंतु है वो किसको जन्म देंगे? बच्चों को। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद कौन से? एकिडना और प्लेटिपस, ये क्या कहते हैं? अंडों को जन्म देते हैं, लेकिन इनमें बच्चों को दूध पिलाने के लिए दुग्ध ग्रंथियां वगैरह होती हैं, इसीलिए इनको किसमें रखा गया है? स्तनधारी जंतुओं में। कंगारू है वो क्या करता है? अविकसित बच्चों को जन्म देता है। जो कंगारू होता है वो जब बच्चे को जन्म देते हैं तो वो नॉर्मली 1 इंच का होता है। 1 इंच का मतलब केवल इतना सा, यानी कि ये जो ढक्कन है केवल इतना सा बच्चा होता है। इसको क्या कहा जाता है? उसके पेट के आगे एक थैली लगी होती है, जैसे हमारे पॉकेट होंगी होती है ना, ये शर्ट की पॉकेट, वैसे उनमें क्या होती है कि पेट के आगे एक पॉकेट लगी होती है। उसमें क्या किया जाता है? इस बच्चे को रखा जाता है और धीरे धीरे इसका जब विकास हो जाता है तो ये थैली से बाहर आ जाता है। तो कंगारू अविकसित बच्चे को जन्म देते हैं, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो कैसा होता है? अविकसित, यानी कि अच्छे से वो ठीक से चल नहीं पाता, ठीक से देख नहीं पाता है। तो धीरे धीरे जब वो अपनी थैली के अंदर रहता है मम्मी की, तो वहां पे वो क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। तो ये जो थैली होती है इसका नाम क्या है? मार्सुपियम। मार्सुपियम नामक थैली में ये कंगारू का जो छोटा बच्चा होता है वो रहता है और वहीं पे क्या होता है? पूरा विकसित होता है। जैसे उदाहरण भाई, जो स्तनधारी उसके उदाहरण कौन से हो गए? एक तो हो गया वेल। वेल है वो मछली नहीं है, वो क्या है? स्तनधारी। यदि वैसे देखें तो वो एक तरह की मछली है क्योंकि वो पानी में रहती है, लेकिन मछली में भी कौन सी है? स्तनधारी मछली, क्योंकि वो अपने बच्चों को जन्म देती है और उनको दूध भी पिलाती है। बिल्ली, बिल्ली को तो सभी ने देखा होगा, बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। मनुष्य, चूहा, चमगादड़। अब ये भी क्या है? पक्षी नहीं, स्तनधारी है। मैंने आपको कल ही बताया था कि भाई चमगादड़ है उसमें क्या पाई जाती है? स्तन ग्रंथियां पाई जाती है और वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इसीलिए ये क्या है? स्तनधारी। गाय, ये सब क्या है? स्तनधारी के एग्जाम्पल। अब देखो, प्लांटी और एनिमल का जगत है वो तो हो गया अपने कंप्लीट। अब कुछ एक वैज्ञानिक नाम आते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे उड़न छिपकली, उड़न छिपकली है वो हमारे सीता माता अभ्यारण्य है वहां पे पाई जाती है। तो इसका नाम होता है ड्रेको। उड़न छिपकली को क्या बोलते हैं? ड्रेको। घरेलू छिपकली, घरों में जो छिपकली होती है उसे बोलते हैं हेमीडेक्टाइकस। नर गुच्छेदार बत्तख, नर गुच्छेदार बत्तख, इसको क्या बोलते हैं? आइथिया फ्यूलीगुला, आइथिया फ्यूलीगुला। ये नाम पूछते नहीं है लेकिन बस हमें पता होना चाहिए। ओस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग, इसे बोलते हैं स्टूथियो केमेलस, स्टूथियो केमेलस। कुत्ता या डॉगफिश, कुत्ता का मतलब कुत्ता नहीं है, कुत्ता मछली या डॉगफिश, तो इसका नाम होता है स्कोलियोडोन। क्या बोलते हैं इसको? स्कोलियोडोन। बंस रे या स्टिंग रे, ये एक तरह की मछली होती है जिसमें क्या होते हैं? कांटे होते हैं। मैंडारिन फिश, इसको बोलते हैं सिंकिरोपस स्प्लेंडिड्स, सिंकिरोपस स्प्लेंडिड्स। लोइन फिश, टेरोइस वोलियंस। एंगलर फिश, कालोफायरिन जोर्डानी। तो ये इनके अजीब अजीब से नाम है ना। उड़न मछली, इसको बोलते हैं एक्सोसीटस। तो इसमें आपके देखो मेनली 2-3 जो एग्जांपल है वो ध्यान में रखना चाहिए। एक तो ड्रेको का, एक हेमीडेक्टाइलस, एक ओस्ट्रिच का, एक स्कोलियोडोन का,
और एक आपके उड़न मछली का, ये नाम है वो आपको पता होना चाहिए। अब देखो जो हमने प्लांटी जगत पढ़ा था वो कैसे वर्गीकृत किया गया, उसके आधार क्या है, या उसको कौन कौन से वर्गों में बांटा गया, वो ब्रीफ में देख लेते हैं। तो पादप जगत है, उसको सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है, पादप का शरीर है वो विभेदित है या नहीं इसके आधार पर। तो पादप शरीर बिना विभेदन, तो बिना विभेदन वाला कौन सा हो गया, थैलोफाइटा, थैले के जैसा होगा, यानी कि उसमें कोई अलग चीज है वो अलग से दिखाई नहीं देती, थैले में हमने सामान डाल दिया अलग से पता नहीं चलता ना भाई इसमें ये सामान है, पता नहीं चलता। या दूसरा विभेदित पादप शरीर, यानी कि जिनका पादप है वो विभेदित होता है, अलग अलग भागों में बंटा होता है, जैसे तना पत्तियां जड़ ये सब क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। तो इसमें भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक तो होंगे संवहनी उत्तक वाले, यानी कि जिसमें पानी और लाने ले जाने वाले जो नलियां वो उपस्थित होगी, और एक में नहीं होगी। तो बिना संवहनी उत्तक, यानी कि जिसमें संवहनी उत्तक नहीं है, तो बिना बिना का बह ब्रायोफाइटा का भी बह, तो बिना संवहनी उत्तक का कौन सा हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। अब जो संवहनी उत्तक होते हैं उसको दो भागों में बांटा गया, एक तो बिना बीज वाले, एक तो बिना बीज वाले जिसे बोलते हैं क्रिप्टोगेम, और एक होते हैं बीज वाले जिसे बोलते हैं फेनेरोगेम। अब जो बिना बीज वाले होते हैं उसका एग्जांपल क्या हो गया, टेरिडोफाइटा, और जो बीज वाले होते हैं उनको दो भागों में बांट दिया कि भाई बीज है वो उसके ऊपर आवरण है या नहीं, आवरण नहीं है तो वो हो गया नग्न बीजी, नग्न बीजी का उदाहरण हो गया जिम्नोस्पर्म, और फलों में बंद यानी कि बीज के चारों ओर आवरण, यानी कि फल के अंदर जो बीज पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में उसको दो भागों में बांट दिया, एक तो द्विबीजपत्री और एक एक बीजपत्री, यानी कि जिसमें दो बीजपत्र होंगे, यानी कि बीज है वो दो टुकड़ों से मिलकर बना होगा, और एक है वो केवल एक ही टुकड़े से मिलकर बना होगा। तो ये क्या है पादप जगत का छोटा सा वर्गीकरण। कल हम बात करेंगे एनिमेलिया जगत के वर्गीकरण के बारे में, तो इसको कर लो नोट।